नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 21 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं दो नए फ़ोन और उनमें से एक फ़ोन तो ऐसा है जिसका वेट हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। जी हां, नोकिया X6 जो कि लॉन्च हो सकता है इंडिया में 21 अगस्त को। और अगर हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन की तो वो है ओप्पो F9 Pro, और यह फ़ोन भी इंडिया में 21 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन की प्राइसिंग की तो वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली हैं, क्योंकि नोकिया X6 या फिर आप कह सकते हैं नोकिया 6.1 Plus जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ था लगभग 20,000 रुपये के प्राइस में, तो यह फ़ोन इंडिया में भी इसी प्राइसिंग में आने की उम्मीद है। और अगर हम बात करते हैं ओप्पो F9 Pro की तो इसका प्राइस भी होगा लगभग 20,000 से 22,000 रुपये। तो इसीलिए आज हम कर रहे हैं इन दोनों ही फ़ोन का कंपैरिजन ओवरव्यू, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आपको कौन से फ़ोन का वेट करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो नो डाउट दोनों ही फ़ोन्स का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स बैक साइड से आपको देखने को मिलते हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ में। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलने वाला है एक नॉच डिस्प्ले। नोकिया X6 में जहाँ पे आपको एक रेगुलर नॉच देखने को मिलता है, वहीं पर ओप्पो F9 Pro में नॉच का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको नॉच में सिर्फ मिलने वाला है एक फ्रंट कैमरा। तो नो डाउट दोनों ही फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश के साथ में आते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नोकिया X6 मिलता है आपको एक मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ में, जबकि ओप्पो F9 Pro मिलेगा आपको एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन कभी भी अपने फ़ोन्स में मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ठीक ठाक सा बिल्ड क्वालिटी होगा ओप्पो F9 Pro का। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोकिया X6 की तो नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की तो वो भी काफ़ी अमेजिंग होता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहाँ पे जरूर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नोकिया X6 आपको मिलता है 5.8 इंच के फुल HD+ IP डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पे यूज़ किया गया है 19:9 का स्क्रीन शो। और अगर हम बात करते हैं ओप्पो F9 Pro की तो वहाँ पे आपको मिलता है 6.3 इंच का एक फुल HD+ IP डिस्प्ले, जो कि आता है 19:5:9 स्क्रीन शो के साथ में। तो यहाँ पे डिफरेंस है स्क्रीन साइज़ का, ऑब्वियसली व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है ओप्पो F9 Pro में। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, क्योंकि नोकिया 6.1 Plus जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट के साथ में, लेकिन बताया जा रहा है कि यह फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है मीडियाटेक के हीलियो P60 चिपसेट के साथ में। तो यहाँ पे बुरी खबर उन लोगों के लिए है जिनको मीडियाटेक के चिपसेट पसंद नहीं आते हैं। हालांकि मीडियाटेक हीलियो P60 चिपसेट का परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद मीडियाटेक के चिपसेट, उन लोगों के लिए बुरी खबर तो है ही। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका ओप्पो F9 Pro से तो सेम होने वाला है, क्योंकि ओप्पो के F9 Pro में भी आपको मिलेगा एक मीडियाटेक का हीलियो P60 चिपसेट। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन सेम होने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं रैम और स्टोरेज वेरियंट की तो आपको बता दें नोकिया X6 ग्लोबली लॉन्च हुआ है दो वेरियंट में, 3GB RAM 32GB स्टोरेज, 4GB RAM 32GB स्टोरेज और 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में। और बताया जा रहा है कि इंडिया में ये 3GB RAM 32GB और 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में लॉन्च होगा। और अगर हम वही बात करते हैं ओप्पो F9 Pro की तो वो लॉन्च हो सकता है 4GB, 6GB और 8GB RAM वेरियंट के साथ में, जहाँ पर आपको मिलेगा 64GB और 128GB का स्टोरेज। बात करें कैमरास की तो यहाँ पे अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। बात करें नोकिया X6 की तो यहाँ पे दिया गया है 16+5 MP का एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 16 MP का फ्रंट कैमरा। और वहीं अगर हम बात करते हैं ओप्पो F9 Pro की तो उसमें आपको मिल सकता है 16+16 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 25 MP का सेल्फी कैमरा। आप कैमरे का कंपैरिजन ऑन पेपर तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हमारे पास फ़ोन अवेलेबल होंगे आपको प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके ज़रूर दिखाएंगे। बात करें बैटरी की तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, कि नोकिया X6 आपको मिलता है 3060mAh के साथ में, जबकि अगर हम बात करते हैं ओप्पो F9 Pro की तो वहाँ पे आपको मिलेगा 3400mAh की बैटरी। लेकिन दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं फास्ट चार्जिंग को, नोकिया X6 में आपको मिलता है क्विक चार्जिंग का सपोर्ट, जबकि ओप्पो F9 Pro में टीजर से साफ है कि इस फ़ोन में आपको मिलेगा वूक चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी ओप्पो फाइंड एक्स के साथ में। तो दोनों ही फ़ोन्स आपको फास्ट चार्जर के साथ में मिलने वाले हैं। तो ये था इन दोनों ही फ़ोन्स का कंपैरिजन ओवरव्यू। अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, दोनों ही फ़ोन की प्राइस की, तो वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नोकिया X6 ओप्पो F9 Pro पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से नोकिया X6 का वेट कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।